सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट अरमान। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं विष्णु दहीवड़ा सेंटर पर, जो कि लोकेटेड है बिल्कुल हमारे, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, देसी विलाई थी जो होटल दिख रहा है उसके बिल्कुल बाजू में ये यहाँ पे विष्णु दहीवड़ा सेंटर है, इस बिल्डिंग में लोकेटेड है गाइस। आप लोग यहाँ कभी भी आकर यहाँ का टेस्ट कर सकते हो, कभी भी यहाँ पर आकर देख सकते हो गाइस। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या अवेलेबल है और क्या नहीं है। चलिए गाइस देखते हैं जिस तरीके से ये दिखने में। यहाँ पे बैठ सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बैठने के लिए जगह अवेलेबल है। ये हमारे भैया है, 40 रुपये में दही बड़ा है गाइस। यहाँ पर रगड़ा पेटीज भी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लेस अच्छा लगा मेरे को यहाँ का। एज यू कैन सी, बैठने के लिए जगह बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पे। हाय भैया। हाय, आपका नाम क्या है? धीरज उपाध्याय। ठीक है, और ये मतलब कब से चालू किया है आपने? मेरा 15 इयर्स। ठीक है, और इसका टाइमिंग वगैरह क्या है? मॉर्निंग 12 बजे से रात को 8 बजे तक। ठीक है, और यहाँ का मतलब स्पेशल क्या है, मतलब कोई अगर आता है? दही वड़ा, रगड़ा पैटिस। हाँ, और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? दही वड़ा, रगड़ा पैटिस, कांजी वड़ा। थैंक यू भैया, वेलकम। ये रही गाइस, यहाँ पे दही है और ये है। ओके, ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना, अभी हम लोग लेट आए, कोई बात नहीं। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। एड्रेस तो बता दो। नियर होटल आदर्श, देसी विलायती बाजू में। थैंक यू। सो गाइस, फाइनली हमारा जो है यहाँ पर दही वड़ा आ चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते होंगे कुछ इस तरीके से है। सो गाइस, एज यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यम लग रहा है इसका टेस्ट। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगा, काफ़ी ज़्यादा मशहूर चीज़ है ये हमारे अमरावती की, पर मैं वो जो पहली बार ट्राई कर रहा है इसको। सो दही तो भाई बहुत इसका थिक लग रहा है, एकदम मस्त। देखते हैं मीठा है या नहीं पहले। और इसके दही में मसाले का टेस्ट आ रहा है गाइस, मतलब दही तो एक नंबर है। दही वड़ा हम लोग ट्राई करके देखते हैं गाइस। वो भाई दिखने में तो मस्त लग रहा है। यू वांट हैव सम गाइस? गाइस सीरियसली यू शुड विजिट दिस प्लेस। हाँ, 40 रुपए के हिसाब से गाइस दही वड़ा एक नंबर लग रहा है सीरियसली। अब मुझे पता चला कि ये इतना फेमस क्यों है। अगर आप लोग खाओगे तो आप भी यही बोलोगे। भाई मुझे तो यहाँ का टेस्ट 9.5 लगा है, एक नंबर। आप लोग यहाँ पर आके क्या बोलते हो वो देखना। वैसे मुझे 10/10 देने चाहिए, पर फिर भी गाइस हम लोग शाम में आए और 9.5 से भी ज़्यादा देना चाहिए दिल बोल रहा है मेरा, पर 9.5 इज इनफ। और बहुत ज़्यादा यम लग रहा है, मतलब इसका जो ये मीठा था ये और ये जो चटपटा सा इन्होंने मसाला डाला है ना इस पर, भाई वाह, मतलब एक नंबर। सीरियसली गाइस यू शुड विजिट दिस प्लेस। अफोर्डेबल है गाइस, रिजनेबल है, और क्या चाहिए भाई 40 रुपये में। बैठने के लिए जगह वगैरह अवेलेबल है गाइस। ये सेकंड टाइम है मेरा दही वड़ा में जो ट्राई कर रहा हूँ, एक नंबर टेस्ट लगा मेरे को। थैंक यू सो मच गाइज, मैंने सेकंड टाइम लिया है अभी यहाँ पे, आप लोग देख सकते होंगे गाइज, मतलब यार मज़ा ही आ गया। ऐसा दही वड़ा मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाता। हमारे अमरावती की शान होगी दही वड़ा तो। सेकंड टाइम खा रहा हूँ ये जो दही वड़ा है ना गाइज, सीरियसली मैंने
मतलब सही में आप ढूंढ के बता दो और कल आपने आप हो क्या तो कल हाँ मैं हूँ बिल्कुल हूँ तो आपने पहले ढूंढ लो फिर उसके बाद में आके मिल अरे मैं खाया ना मैंने आज तक कभी इतना टेस्टी नहीं खाया मैं स्पेशल दूध लाता हूँ सही बना तो अच्छा अच्छा अपने घर का ऐसा है बहुत मेहनत करते हैं हम सवेरे 4 बजे उठ के जी गीला बड़ा कचौरी आपको पता है हाँ बिल्कुल अरे कचौरी का वीडियो आया है अपना पहले भी हम 4 बजे उठ के खाए और पूरा परिवार काम करता छोटे से लगा के बड़े तक के मैंने देखा हूँ मनीष भैया को कचौरी जो मनीष मेरा लड़का है बड़े वाला ये सेकंड नंबर का है थर्ड नंबर का भी थोड़े दिन पहले गया है शायद बहुत साफ सफाई से बनाते अरे हैं मैं बचपन से खा रहा हूँ आपकी कचौरी शौचालय से बनाते हैं हम सिर्फ हम कपड़ा ही नहीं मारते हैं टेबल को लेकिन उसका साफ सफाई कैसे रखी जाती मैं आपको पूरी जानकारी दे नहीं सकता हूँ साफ सफाई रखने के और भी कई तरीके रहते हैं वो साफ सफाई रखता हूँ जब जाके हम एकदम स्वच्छता से माल बनाते हैं क्वालिटी इसीलिए तो लोग आ रहे हैं ना आपके यहाँ पे क्योंकि क्वालिटी दे रहे हैं आप 40 रुपए का एक सिंगल बेचते हैं एक सिंगल 40 रुपए का है ये टोटल अगर मिला के 80 रुपए प्लेट है उसके बावजूद भी अपने यहाँ गिरे जाते हैं मैं तो अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जी थैंक यू सर आइए बिल्कुल हम तो आते रहेंगे चलो चालू करो सो गाइस सेकंड टाइम खा रहा हूँ काका जी से मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा अब गाइस मैं इसको खा के टेस्ट करता हूँ फिर से मैं आपको फिर से बताता हूँ गाइस मगर मैं बता रहा हूँ ना यहाँ की जो भीड़ आप लोग देख रहे होंगे भी बताओ यहाँ की जो आप लोग भीड़ देख रहे हो गाइस ये क्यों आ रही है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी है सो गाइस आइए हम लोग पूछते हैं यहाँ पे लोगों से कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है नाम क्या है सतीश और आप यहाँ पे कब से आ रहे हो सर मैं तो यहाँ पे करीबन जब से स्टार्ट हो जब से रेगुलर अच्छा मतलब 15 साल हो गए आपको हाँ जी टेस्ट कैसा लगता है आपको एकदम बढ़िया सबसे ज्यादा क्या पसंद है यहाँ का अपना रिस्पेटिस ठीक है थैंक यू सर आपका नाम क्या है जगदीश सूर्य ठीक है आपने भी दही वड़ा खाया हम कब से खा रहे हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया दही वड़ा ठीक है कब से खा रहे हैं आप यहाँ बस अब तो अपने बहुत साल हो गए 2-3 साल से खा रहे एक मई रह गया था बस आने का यहाँ पे 4-5 साल हो गए ठीक है ना थैंक यू सर सो गाइस आज आप लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा के डायलॉग नहीं मारूंगा आज मैंने सोचा होगा मैं कुछ नया भी बोलता हूँ ना आप लोग बोर हो जाओगे सो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा यहाँ का टेस्ट यहाँ के रिव्यूज यहाँ के लोगों का प्यार यहाँ की दुकान के लिए और इस चीज़ का टेस्ट काश मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता वर्ड्स में पर जो ये ज़ुबान पे जब जा रहा है ना गाइस सीरियसली पेट खुश हो जा रहा है एकदम दिल खुश हो जा रहा पेट मतलब वो आत्मा तृप्त होने वाला टाइप है गाइस ये सीरियसली मतलब थैंक यू अवंती फॉर सजेस्टिंग मी दिस प्लेस मेरे को बिल्कुल नहीं पता था ये प्लेस अभी तक मतलब अमरावती में रह के मेरे को ये प्लेस नहीं पता था मैं पहली बार आ गया यहाँ पर गीला वड़ा दही वड़ा खा रहा हूँ गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी हम लग रहा है मेरे को यहाँ का मेरे रिकमेंडेशन पे डू विजिट दिस प्लेस गाइस मैं इसको खा के गर्म करता हूँ मैं इसको खा के गर्म करता हूँ फिर मिलता हूँ इस आप लोग देख सकते होंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है गाइस यहाँ का जो दही है मतलब अगर सिर्फ आप दही भी पकड़ लो तो भी 40 रुपये के हिसाब से गाइस मीठा दही कहीं नहीं मिलेगा आपको ये जो कंसिस्टेंसी आप लोग देख रहे हो गाइस ये यम लग रही है एक नंबर सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा खाऊंगा मैं सो गाइस खा के ख़त्म कर दिया भाई एक नंबर टेस्ट था यार का मतलब मज़ा आ गया एक नंबर आप लोग देख सकते हो गाइस पूरा चाट चाट के ख़त्म किया है हम लोगों ने मतलब इसको ना देख के ही मन भरा तो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल एंड मच अगेन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय